सबसे पहले हमारे सामने प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है पिछले एक साल से जीएसटी और उससे पहले जो हुआ था नोटबंदी। नोटबंदी से अभी हम उभर ही नहीं पाए थे कि गवर्नमेंट ने जीएसटी को व्यापारियों को पर जाने अनजाने थोप दिया। बहुत मतलब जीएसटी की जब से जीएसटी चालू हुआ है जब से मार्केट की मतलब बहुत बहुत स्लो हो गई है। पहले जैसे मतलब हमारे पास काम होता था दुकान पे सब मार्केटें खाली पड़ी हैं, दुकानें सब खाली पड़ी हुई हैं, सब दुकानें। जब प्रॉपर्टी नीचे गिर रही है सर्कुलेशन में मनी जो है वो बहुत कम हो गया, लिक्विड मनी, तो लोगों के पास जो सोर्सेज ऑफ इनकम थे बहुत कम होने शुरू हो गए, इसकी वजह से बाजार आपको खाली खाली नजर आते हैं। Even Australia, a small country which has a very less population than in India, took 6 years to implement GST. They appreciated that within 1 year, India has come to such a good extent and achieved such a good result under GST. Australia में जो भी है आपका slab एक है, चाहे वो trader के ऊपर है, चाहे वो अपना tradie है। एक ही ड्राई फ्रूट की दुकान पे 3-4 तरीके के इसके स्लैब रेट है, तो स्लैब रेट शुड बी 1। प्रॉब्लम जीएसटी से नहीं है, हमारे को किसी भी तरह की टैक्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस सिस्टम से है जो सिस्टम हमें फॉलो करना पड़ता है जीएसटी के अंदर। आज हमारे पास में 70-80% व्यापारी एक आम व्यापारी है जो अपनी रोजी रोटी डेली कमाता है, डेली खर्च करता है। क्या उस स्थिति के ऊपर मार्केट को सरकार को नहीं सोचना चाहिए था कि ठीक है भी हम इसको लागू कर रहे हैं और हमारी जो हिंदुस्तानी मार्केट है या इंडिया की मार्केट है वो अभी क्या नाम है धीरे धीरे अपना बना रही है इसको। What was the ecosystem before GST? There was complete anarchy, there was tax evasion, there was informal sector, the laborers were having problem. अब जाती है हर महीने जीएसटी की जाती है तो उसमें भी हमें दिक्कत होती है, सीए रखना पड़ता है, अकाउंटेंट रखना पड़ता है, सारी फाइल में मेंटेन करनी पड़ती है, वो सारी प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं। हम अपना शॉप देखेंगे या फिर अकाउंटेंट को संभालें। अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है कहाँ से करेगा, एक आदमी उसको रखना पड़ेगा, हर महीने उसका वो कराएगा। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनसे मेरी बात हुई अभी तक उनका पैसा वापसी नहीं आया। पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करने के बाद हमें कोई निश्चिंत हो जाता था कि भाई हमारा काम, हम अपने फाइल बना के उनको दे देते हैं, वो सब काम चलता रहता है। और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी जो एक नॉमिनल फीस थी वो लिया करते थे। जब से जीएसटी लगा है उन लोगों की जो डिमांड है वो बढ़ गई है, क्योंकि कारण क्या है कि व्यापारी को पता ही नहीं कि जीएसटी होता क्या है। व्यापारी को क्या, आज की तारीख में डिपार्टमेंट के लोगों को ही नहीं पता, चाहे वो वैटो हो या वैटो से ऊपर का अधिकारी हो। अगर कोई हमें समस्या आती है कि भाई इस चीज़ का टैक्स क्या है, जो अधिकारी गण है उनको ही नहीं पता कि किस चीज़ पर कितना टैक्स लगेगा, तो व्यापारी को कैसे पता चलेगा। व्यापारी तो पूरी तरह से निर्भर हो गया चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर। देखो हटाना चाहो तो आप एक दिन में स्लैब रेट को आप एक सिंप्लीफाई कर दो ना, हरेक को रात की सांस आएगी। कुछ ना कुछ इसमें चेंज होना चाहिए जिससे कि व्यापारी को राहत मिले और आगे व्यापार को और इंडिया का इकोनॉमी को बढ़ा सके।